नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, ज्योमेट्री में पहले हमने बेसिक पार्ट किया सिमिलरिटी के ऊपर, जिसके अंदर जैसे कि आप सभी जानते हैं पेन फ्री हैबिट्स का हमने काफ़ी इस्तेमाल किया। अब ज्योमेट्री में पेन फ्री हैबिट्स का हमने पहला सेशन किया, उसके बाद हमारा पार्ट फर्स्ट आया क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें हमने 17 मेंस या 18 मेंस के क्वेश्चन देखे। आज की क्लास में भी हम सिमिलरिटी से जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई ना केवल ज्योमेट्री में, आप ज्योमेट्री के ट्रायंगल में, आप सर्कल में भी आप सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, और मेंसुरेशन में भी काफ़ी जगह यूज़ करते हैं एरिया निकालने के लिए। तो आज की क्लास में कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। लास्ट तक सभी क्वेश्चन जरूर जानिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आज सीखने को आपको मिलेंगी, और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के हैं, वो हम बिना पेन के और कई बार बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 2019 के सीजीएल जो एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, प्री का और मेंस का, दोनों के अंदर आप देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे आपको जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका ये, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई बिंदु भुजा ए सी और ए बी पर अगर बात करी जाए, ये आपको दे रखा है इस तरीके से। ये आपको दे रखा है ए बी सी, डी और ई बिंदु, ए बी और सी, डी और ई बिंदु डी ए सी पर और ई यहाँ पर। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब भी हमने सिमिलरिटी पढ़ी, आपको एक चीज़ बताया गया, सिमिलरिटी ना दो एंगल सेम होते हैं तब आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या है, अगर आप ये देखें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस पे बेस रहेंगे कि एक ट्राइंगल है जिसके अंदर समांतर रेखा खींची गई, एक खींची गई, दो खींची गई, तो सभी समरूप त्रिभुज हो गए। साथ के साथ आपने ये देखा कि एक ट्राइंगल है उसके अंदर लाइन है, कोई दो एंगल आपको सेम दे दिए गए। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं ए डी ई, तो ये हो गया आपका ए डी, ये हो गया आपका एंगल बी। और बहुत ध्यान से अगर देखें ए डी की वैल्यू 7.6, ये आपको 7.6 दे रखा है, साथ के साथ ए ई दे रखा है 7.2। ठीक है, बी 4.2 हो गया, और बी सी की वैल्यू है आपकी 8.4। आपको वैल्यू निकालनी है डी की, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये पैरेलल लाइन तो है नहीं, समांतर रेखा नहीं है, ठीक है, तो सीधी सी बात है इसमें आप वो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कौन से, जैसे कि आपको बताया था कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो कोई दो एंगल ही काम के होते हैं, बाकी तीसरा एंगल काम का नहीं होता। अगर आप देखें ये वाला कॉमन एंगल, इसके सामने वाली भुजा निकालनी है और इसके सामने वाली ये भुजा पता है, तो ये एंगल तो काम का है। दूसरी चीज, अगर आप देखते हैं जो एंगल कॉमन था उसके सामने ये है, जो एंगल कॉमन था उसके सामने ये है, अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूँ तो ये बेमतलब का एक और अननोन वेरिएबल आ जाएगा। एक अननोन वेरिएबल मेरे पास पहले है और एक दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये वाला एंगल किसी काम का नहीं है। तो काम के रहे दो एंगल डी ई और बी सी के सामने वाला, तो आप बोलेंगे डी ई बाई बी सी, यानी जो आपको निकालना है उसे मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, डी ई को अपॉन बी सी, जो कि आपका 8.4 हो गया। ठीक है, ये बराबर हो गया किसके, छोटे में जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या है 7.6। और आगे अगर आप देखते हैं जो इसके अंदर कॉमन एंगल नहीं था उसके सामने क्या है, 7 और 4 11, 11.4। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर 38 से काटते हैं तो 2:3 आ गया। ठीक है, तो ये 2:3 हो गया। 2:3 का मतलब है तीन की वैल्यू अगर ये है, ठीक है, तीन की वैल्यू 8.4 ना लेके मैं 84 ले देता हूँ, तो 28 या 84 होता है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 28 आ गई, दो यूनिट की वैल्यू 56, यानी 5.6 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये पार्ट क्लियर होगा। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है, समरूप जब भी देखें पहले कंफर्म कर लें कि समरूप है या नहीं है, उसके बाद ये देखें तीन एंगल में से कौन से दो एंगल आपके काम के हैं। उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते बाद रेशियो के अंदर डायरेक्ट वैल्यू आपको लिखनी है, नेम नहीं लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका ये ED 3:4 AF 12, इसका डायग्राम आपको नहीं दे रखा है, डायग्राम मैं बना देता हूं। डायग्राम आपको दे रखा है ये, ए बी सी और DEFG, ये D हो गया, ये F हो गया, ये G हो गया, ये E हो गया। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें AE और ED का अनुपात, देखिए ध्यान से समझने वाला पार्ट है मेन, यहाँ पर मेन है समझने वाला पार्ट। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ AE और ED का अनुपात 3:4 है। अगर आप देखें ये वाली लाइन इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है, इसका मतलब अगर आप ये दो ट्रायंगल की पैरेलल लाइन देखते हैं, अगर ये वाली और ये वाली, ठीक है, तो आप देखते हैं इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला ट्रायंगल जो है इसके अंदर, ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखें 3:4, यानी जो अनुपात इसका है वो अनुपात इसका होगा। आपको वैल्यू दे रखी है AF की 12 और ये है 3:4 में, तो अगर 3 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 16 हो जाएगा अगर आप सिमिलरिटी लगाते हैं। ठीक है, पहली चीज आपको निकालना है AC, BD की लेंथ आपको दे रखी है 8 और DC दे रखा है 6। अगर आपको ये 8 दे रखा है और ये दे रखा है 6, ठीक है, अब ध्यान से बात समझिएगा, अब ये आपको दे रखा है 8 और ये 6। अगर मैं बात करता हूं इस वाले ट्रायंगल की, ठीक है, अगर आप पीछे से देखते हैं इसे, तो जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका रहेगा। आप बोलते हैं कि भाई 8 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 6 यूनिट की वैल्यू 12 हो जाएगी, और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है AC अगर मैं निकालता हूँ 12 और 12 24 और 16 40, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेन बात समझने वाली यही है, आप ये देखिए कि इसमें आपने लिखा कितना। प्रॉपर्टी तो हमने बहुत इस्तेमाल करी, पर वो सारी प्रॉपर्टी कैसी थी, वो मेरे दिमाग की प्रॉपर्टी थी कि मैंने दिमाग में फीड कर रखी है वो चीज़ें। अब बार बार मुझे किसी को एग्ज़ाम में साबित नहीं करना कि मैंने इस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी लगाई है या ये इस लाइन के पैरेलल है या इसका रेशियो ये होगा, आपकी रफ शीट कोई नहीं देखने वाला है, फाइनली ये देखा जाता है कि आंसर कितनी जल्दी आया। तो हमने यहाँ पर वही काम किया है, दो ट्राइंगल सिमिलर देखे और उसी के बाद हमने देखा कि अनुपात किसका किसके बराबर है, उसके हिसाब से आपने वैल्यू निकाल ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, डायग्राम आपको दे रखा है इसके अंदर, डायग्राम आपको दे रखा है, इन द गिवन फिगर ABEF and CD आर पैरेलल,
ये आपको दे रखी है लाइन ए बी ई एफ, ए बी हो गया, ई एफ हो गया, और ये आपका सी डी हो गया, और साथ में क्या दे रखा है ई जी, ये जी हो गया, ठीक है। और जी सी 10 सेंटीमीटर, डी सी 18 सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर है जी सी, जी सी आपको 10 सेंटीमीटर, एक ये सी है ये डी है, रुक जाइए, ये सी है और ये डी है, ये आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है, और जी सी यानी ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और ई जी आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये लेंथ आपकी कुछ नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं, अगर अब आपको दे रखा है डी सी की वैल्यू 18, डी सी कहाँ, ये है ये हो गया, ये सभी लाइनें समांतर हैं आपस में, और एसी की वैल्यू आपको निकालनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कलर चेंज करते हैं सिमिलरिटी ऑब्जर्व करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखते हैं लाइंस पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, अब ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर है, आप देखते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, दो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, इसके सामने जो साइड है वो 10 है, इसके सामने जो है 5, तो यहीं से आपको पता लग गया 2 का रेशियो हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी साइड 10 होगी तो इसकी 5 होगी, और इसकी 18 होगी तो इसकी 9 हो जाएगी, तो आप इसे लिख देंगे 9, तो ये 9 आ गया आपका, ठीक है। तो ये 9 हो गया आपका, साथ के साथ अगर आप देखें वैल्यू निकालनी है आपको एसी की, एसी की लेंथ निकालनी है, ईजी आपको 5 दे रखा है, साथ के साथ एक चीज और दे रखी है, एक सेकेंड रुकिए, ए बी की वैल्यू भी 15 दे रखी है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, ए बी आपको 15 दे रखा है, ठीक है। अब आप ध्यान से बहुत ऑब्जर्व करते हैं, अगर अब देखिए कुछ एक्सटर्नल मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ये ए बी सी इसके समरूप है, ये बाई ये इसके बराबर होगा, केवल और केवल डायग्राम में ही ज्योमेट्री करी जाती है, यानी ज्योमेट्री करने के जो शॉर्ट ट्रिक आप जानना चाहते हैं ना, वो यही है कि आप उसे डायग्राम में करिए। प्रॉपर्टी तो बहुत सारी लगाएंगे, किसी क्वेश्चन में 4-4 प्रॉपर्टी लगेंगी, पर लिखेंगे क्या, केवल नंबर, और यही पेन फ्री हैबिट्स का पार्ट है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर, अब अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, अगर मैं देखता हूँ ये वाला ट्राइंगल, आप अगर ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, देखिए जो मैंने अब मार्क किया है, ये लाइन इसके समांतर है, 9:15, 9:15 का मतलब होता है 3:5, 3:5 मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है। ये 3 है, ये 15 है, 3 का मतलब हो गया, 3:5 का मतलब हो गया, 3 की वैल्यू अगर 15 है तो 5 की वैल्यू 25 होनी चाहिए, 25 का मतलब है ये पूरी साइड ए सी, 3 की वैल्यू 15 तो 5 की वैल्यू 25, और 25 आ जाएगा आपका एसी के बराबर, ठीक है, 25 आंसर हो जाएगा। तो कितना पार्ट लिखा है आपने, ये देखिए ज्योमेट्री करने का तरीका यही है, और सिमिलरिटी इसी तरीके से आगे लगती रहेगी। अभी हम और क्वेश्चन देखने वाले हैं मेंस के, ये भी मेंस का ही क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। ए बी डी में एरिया ऑफ 3-4-5 ई बी डी का, आइए मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम है आपका ये, ठीक है, ये डायग्राम है आपका, और ए सी बी, ए सी बी ये 90 डिग्री है, ठीक है, साथ के साथ आपको दे रखा है डी ई, ये डी और ये ई,
और ये 3 4 5, ये 3 दे रखा है आपको, ये 4 दे रखा है और ये 5 दे रखा है। आपको वैल्यू निकालनी है, डी ई परपेंडिकुलर है ए बी के, ये भी आपको दे रखा था, यहाँ लिखा नहीं है आपने, देखें अगर डी ई ए बी पर लंब है, ठीक है, और आपको निकालना है बी डी की वैल्यू, कि बी डी क्या होगा, ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब देखिए ई बी डी, ये ट्रायंगल मैं देखता हूँ, ये वाला एंगल कॉमन हो गया, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, और 90 भी आपका कॉमन है, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल की एक बात खास होती है, आपको पता है जो इनके एरिया का अनुपात होता है, यानी क्षेत्रफल का अनुपात है 1:3, तो साइड का हो जाएगा 1/√3, तो साइड का रेशियो मैं लिखता हूँ 1/√3। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बी डी, बी डी कौन सी साइड है जो कॉमन एंगल नहीं था उसके सामने वाली, जो कॉमन एंगल नहीं था उसके सामने वाली क्या है, 4 है, तो एक की वैल्यू अगर 4 हो गई, एक की वैल्यू 4 नहीं होगी, रूट तीन की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि ये बड़ा है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी 4/√3 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं भी आए बाई चांस क्वेश्चन, तो दोबारा से वीडियो जरूर देखिए और ये देखिए क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलनी है लगातार, क्या आपकी कोई पेन फ्री हैबिट बिल्ट हो पा रही है, क्या कुछ ऐसा लगा पा रहे हैं आप, ठीक है। और घर में जब भी आप क्वेश्चन करें तो ये हमेशा ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी कभी लिखी नहीं जाती, किसी को साबित नहीं करना, केवल और केवल डायग्राम में देखना है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है, डायग्राम बना देता हूं मैं, ये डायग्राम है इसका जो आपको गिवन है, ठीक है, थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखते हैं ध्यान से, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ए बी और ए सी कॉन्ग्रेंट है, और एक का रेडियस 1 है, दूसरे का रेडियस 2 है, तो ए बी सी का आपको क्षेत्रफल बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, देखिए यहां से अगर आप एक लाइन बनाते हैं, ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया आपके, अगर मैं देखिए सेंटर हो गए, यहां से अगर आप टेंजेंट बनाते हैं, ये एक टेंजेंट यहां बन गई, एक टेंजेंट बन गई यहां, ठीक है, दो टेंजेंट बन गई। अब एक का रेडियस 1 है, इसका रेडियस कितना है, 1 है, इसका रेडियस कितना है, 2 है, ये 2 हो गया, तो देखिए ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखें, जैसे कि सिमिलरिटी आपको बताई गई है, सिमिलरिटी में बात यही रहती है कि भाई ये 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके बीच का गैप जो है ये कितना है, ये रेशियो हो गया 1:2, अगर रेशियो 1:2 का है तो अंतर कितने का हो गया, 1 यूनिट का, और जो अंतर होता है वही नीचे लिखा होता है, ये अंतर है, तो 1 यूनिट 3 के बराबर हो गई, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा, और अगर ये 3 हो गया तो ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है। 2√2 कैसे हो जाएगा, 3, 1 और 2√2, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 1 = 8 हो गया, 8 का √2√2 हो गया। अब ध्यान से अगर देखें, बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिए अलग अलग कलर में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ इस ट्राइंगल को, ठीक है, और इसके साथ इस ट्राइंगल को, अब इन दोनों ट्राइंगल को आप देखते हैं तो ये भी समरूप है, यानी सिमिलर है, सिमिलर का मतलब हो गया कि अगर आप ध्यान से बहुत देखें, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या आ गया, 2 2 4 3 7 और 1 8,
जो एंगल कॉमन नहीं था वो ये वाला था, इसके सामने क्या आ गया, दो रूट दो, ये क्या आ गया, इसकी साइड का रेशियो, ये इसकी भुजा का अनुपात आ गया, ठीक है। अगर मैं एरिया का रेशियो निकालता हूँ, क्षेत्रफल का, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं तो 64/8 आ जाएगा, जो कि आपका 8:1 हो जाएगा। अब मैं ध्यान से देखता हूँ, एक किसका एरिया हो गया, छोटे वाले का, 8 हो गया बड़े वाले का, छोटे वाले का एरिया कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट रूट दो, अगर एक की वैल्यू रूट दो है तो 8 की वैल्यू 8√2 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई, इसका मतलब हो गया ये कि ये ट्रायंगल था, अगर इसका एरिया 8√2 हो गया तो इसका भी 8√2 हो जाएगा और आंसर आपका 16√2 हो जाएगा, 16√2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आप ध्यान से अगर देखते तो हमने ए बी सी डी ई एफ कुछ नहीं लिखा, केवल और केवल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करी है और आंसर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में डायग्राम बना देता हूँ पहले मैं, ठीक है। ये डायग्राम है आपका, इसके अंदर अगर आप देखते हैं शेडेड एरिया आपको दे रखा है ये वाला, ठीक है। दो वर्ग हैं जिनकी भुजा 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और शेडेड पार्ट आपको निकालना है। एग्जाम का क्वेश्चन 17 मेंस का, 17 मेंस में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन लगभग गया मेंसुरेशन के ऊपर, हमने ज्योमेट्री तो देखी ही, साथ के साथ हमने देखा मेंसुरेशन के अंदर भी इसका इस्तेमाल होगा। और अभी जैसे जैसे आप लास्ट तक जाएंगे आप देखेंगे सर्कल का भी एक दो क्वेश्चन ऐसे है जिसके अंदर सर्कल में भी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, एक की साइड 8 है, अगर मैं इसको 8 ले लेता हूँ और इसे मैं ले लेता हूँ 20, तो देखिए ये भी 20 हो गया, ठीक है। अब 8:20 का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से बात समझिएगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है। अगर मैं केवल इतनी की बात करूँ, यहाँ से लेके ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों समरूप हो गए, ठीक है। 8:20, ये अगर 8 है, ये पूरा 28 हो गया। 8 और 28 का रेशियो दिमाग में सोचिए कितना आएगा, 2:7। 2:7 का मतलब क्या हो गया, 7 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की कितनी हो गई 20/7 और 2 की कितनी हो गई 40/7, तो ये मैंने 40/7 लिख दिया। और आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला, ये जो शेडेड है, तो ये क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। अब हाफ बेस इनटू हाइट लिखने की जरूरत क्या है, हाफ बेस कितना हो गया, 4 हो गया, 4 × 40 160 हो गया, 160/7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और तरीका बहुत मैटर करता है कि हम इस पे कितना लिखते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन मुश्किल से 10 से 12 सेकेंड, हार्डली इससे ज्यादा समय इसके अंदर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि त्रिभुज एबीसी में ये हो गया आपका एबीसी, ठीक है। इसके अंदर आपको ये दे रखा है एबी 13 है, देखिए जो सबसे बड़ी साइड है वो 13 है, तो इसका मतलब हो गया एबी के सामने, एबी जो साइड होती है वो सी साइड होती है, सी साइड के सामने जो एंगल होता है वो एंगल सी होता है, इसलिए मैंने इसे सी लिख दिया, ठीक है। एसी 5 है, ये 5 हो गया आपका, ठीक है, और BC 12 है, ये आपको दे रखा है। M और N बिंदु AC पर, यहाँ पर M है और यहाँ पर N है,
ये एम हो गया और ये आपका एन हो गया, ठीक है। और सी एम सी एन के बराबर है, सी एन कितना है आपका, सी एन हो गया आपका, एक सेकेंड रुकिए इसे मैं हटा देता हूँ, सी एम सी एन के बराबर चार है, ये चार हो गया और ये भी चार हो गया, इसे भी हटा देता हूँ, रुक जाइए। ये आ गया आपका वन, ये बारह है, ये चार हो गया तो ये आठ आ गया, ठीक है। जी एंड के पॉइंट आर ऑन ए बी सो दैट एम जे और एन के ये लंब है इस पे, और एरिया ऑफ पेंटागन आपको निकालना है सी एम जे के एन। अगर ध्यान से देखें तो आपको इसका एरिया निकालना है, मामूली क्वेश्चन तो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैंने अपनी तरफ से आपको दिया है जो एग्जाम में आपको जरूर मिल सकता है। अब आप बहुत ध्यान से समझें इसे, डायग्राम तो आपने समझ लिया, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझें। समझने वाला पार्ट ये है कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो आप इसे बोलेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसे 90 माइनस थीटा लिख देंगे, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा आ गया, ये 90 माइनस थीटा आ गया, तो ये आपका थीटा हो गया। और आप देख पाते हैं कि ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, थीटा 90 माइनस थीटा 90, थीटा 90 माइनस थीटा 90, बड़ा देखेंगे थीटा 90 माइनस थीटा और 90। अब सिमिलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाते हैं, 90 के सामने वाली साइड सभी की पता है आपको, 90 के सामने क्या आ गया, एक आ गया, 90 के सामने क्या आ गया, आठ आ गया, 90 के सामने क्या आ गया, तेरह आ गया, 13। ये क्या आ गया, साइड का रेशियो। अगर आप एरिया का रेशियो निकालते हैं तो स्क्वायर कर देंगे, आप बोलेंगे 1:64:169। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि भाई अगर इसे छोटा कर देता हूँ मैं, रुक जाइए, अगर मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ, बात समझिएगा ध्यान से, क्योंकि अब सॉल्यूशन पार्ट पे फोकस करना है, क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखते हैं इसे, इसका मतलब हो गया ये कि अगर ये मेरा राइट ट्राइंगल है, ये लाइन यहाँ से यूँ बनी हुई थी, ये लाइन यहाँ से यूँ बनी हुई थी, इसका एरिया अगर 64 यूनिट है, इसका एरिया 1 यूनिट है, तो इसका यूनिट हो जाएगा 104, ठीक है, 104 यूनिट हो जाएगा, 104, क्योंकि टोटल 169 है। अब टोटल 169 हो गया, 169 की वैल्यू अगर आप देखें, 12 × 60/2 = 30, 169 की वैल्यू 30 है, 30 कैसे, टोटल का एरिया 12 × 60/2 = 30 हो गया। आपको किसका एरिया निकालना है, सी एम जे के एन, 104 का। अब देखिए इस टाइप की चीज सॉल्व कैसे करेंगे आप, अब ऐसा तो नहीं है कि इसको 104 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही अगर काट दें, 13:8, 13 की वैल्यू अगर 30 है तो 8 की वैल्यू आपको निकालनी है, बात एक ही है, तो 240/13 ये यहाँ चला जाएगा, 240 / 13 यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 240/13। तो अपकमिंग एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेट मिल सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसके अंदर समझना पड़ेगा आपको थोड़ा ध्यान से, ये बोलता है, ये बोलता आपको ये कि भाई ए बी सी डी ई एफ, ध्यान से समझिएगा, ए बी सी डी ई एफ पांच बराबर सेगमेंट में बांटता है, जी इज नॉट ऑनलाइन, अगर मैं जी कोई बिंदु यहां ले लेता हूं, ठीक है, और जी से मैं सभी को ज्वाइन करता हूं,
ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया आपका, और आपसे बोला जाता है एच ऑन जी डी, जी डी पर क्या है, एच है, ये मैं अलग से लिखता हूँ, ये एच है आपका जी डी पर, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और जे है जी एफ पर, जे ऑन जी एफ सच दैट जे ई एंड एस सी ए जी पैरेलल, जो एच सी बनाएंगे हम, जो जे ई बनाएंगे और जो आपका ए जी होगा, ठीक है, ये तीनों लाइन आपको पैरेलल दे रखी हैं। इतना डायग्राम में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं डेफिनेट कह रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे पैटर्न पे, अपडेटेड पैटर्न पे आपको जरूर एग्जाम में मिल सकता है, पर मेन जो डिपेंड करता है वो तरीका है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें सभी पार्ट इक्वल हैं, यानी ये वन हो गया, ये भी 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 वन हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ केवल यहाँ से यहाँ, अगर आप यहाँ से यहाँ ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल मार्क करता हूँ पहले तब समझ आएगा आपको, अगर मैंने ट्राइंगल ले लिया ये वाला, अब देखिए मैं बार बार, आपने एक बात नोट करी कि जब से सेशन चल रहा है मैंने कभी ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा कि आप ए जी एफ ट्राइंगल देखिए या ए बी सी एंगल ट्राइंगल देखिए, क्योंकि अगर मैं वो लिखूंगा तो आपको भी लगातार वो लिखने की आदत पड़ जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने कलर ले लिया अलग अलग और आपको उसी से पहचान बन जाए, ठीक है। फिर आपने देखा कि ये, ठीक है, अब अगर आप इसे देखते हैं ध्यान से, तो ये एक हो गया तो ये पांच यूनिट हो गया, अगर ये एक यूनिट हो गया तो ये पांच यूनिट हो गया, तो आप बोलेंगे कि भाई अगर ये एक यूनिट है तो ये पांच यूनिट है, ठीक है, अगर ये एक यूनिट होगा तो ये पांच यूनिट होगा, ये यूनिट है, एग्जैक्ट साइड नहीं है। फिर आता हूँ मैं इस ट्राइंगल पे, अब मैं देखता हूँ ये वाला ट्राइंगल, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई ये वाला ट्राइंगल देखिए जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, ये वाली लाइन इसके साथ, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर एक बात देखें तो इसका रेशियो क्या है, ये एक है तो ये पूरा तीन है, ये एक है तो ये पूरा तीन है, यानी ये साइड अगर एक यूनिट होगी तो ये तीन यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, पर ये कितनी यूनिट है, ये है पाँच यूनिट, ठीक है। अगर तीन यूनिट की वैल्यू पाँच है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाँच बटा तीन, तो आप इसे बोलेंगे कि अगर ये एक है तो ये पाँच होगा, ये पाँच है तो ये पाँच बटा तीन होगा, क्योंकि इसका तीन गुना ये लेना है आपको। अब क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, एस सी बाई जे ई, एस सी की वैल्यू आ गई आपकी क्या, पाँच बटे तीन, जे ई की वैल्यू क्या आ गई, एक, तो आंसर हो गया आपका पाँच बटे तीन, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। पूरा सेशन अगर आप देखते हैं, देखिए पहले आपने कॉन्सेप्ट देखा, मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि सिमिलरिटी किस किस तरीके से लगेगी, उसके बाद मैंने आपको ये बताया फर्स्ट पार्ट के अंदर कि देखिए अभी 17 मेंस 18 मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब फिर आगे हमने और क्या देखा, हमने ये देखा कि जो और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हम ऐसा क्या करें कि भाई हमें ज़्यादा ना लिखना पड़े, केवल अंडरस्टैंडिंग से हमारा आंसर आ जाए, तो उन सभी चीज़ों पर हम लगातार काम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जिसके अंदर ये बोल रहा है कि भाई चार लाइनें हैं इसमें, आपको ये बोल रहा है कि चार लाइन है जो त्रिभुज के आधार के समांतर हैं। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, एक दो तीन चार, ये चार लाइनें हो गई जो अन्य दो भुजाओं को पांच बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी एक 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 एक, और इसका सबसे बड़ा टुकड़ा जो है वो 27 का है, तो शेडेड पार्ट का एरिया आपको निकालना है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसका डायग्राम एक बार मैं देख लेता हूँ, शेडेड पार्ट दे रखा है, अच्छा ये आपको दे रखा है, ये शेडेड पार्ट है आपका, ये ठीक है, सात के साथ
ये भी आपका शेडेड पार्ट में दे रखा है, ठीक है। और सबसे बड़े टुकड़े का एरिया यानी इसका एरिया आपको दे रखा है 27 यूनिट, शेडेड पार्ट का एरिया आपको निकालना है। क्वेश्चन इतना आसान है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है मेंसुरेशन पे, मेंसुरेशन पे क्वेश्चन है और हम लगाएंगे सिमिलरिटी। बात को समझना पड़ेगा ध्यान से, अगर आप ध्यान से बहुत देखते हैं, अगर ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये भी एक 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 हो जाएगा, ठीक है। ये वन 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 हो गया तो ये भी वन 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 हो जाएगा। डायग्राम एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ, हाँ ठीक है यही है। तो इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया हो गया 1 यूनिट। इसका नीचे वाले का एरिया कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 यूनिट, ठीक है। 2 का स्क्वायर 3 यूनिट, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे मैं अगले पे आता हूँ, अगला आप देखते हैं, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 5 यूनिट। इसी तरीके से आप ये देखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 7 यूनिट, और ये हो गया आपका 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 27, ठीक है। 9 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 27, और आपको ये वाली निकालनी है। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं ध्यान से, ये है आपका 3 यूनिट। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, अगर आपको ध्यान हो, एक क्वेश्चन किया था हमने, अगर ये 1 यूनिट है, ठीक है, और ये 2 यूनिट है, क्योंकि इसका रेशियो 1:2 है, तो इसके एरिया का रेशियो भी 1:2 हो जाएगा, ठीक है। हमने अभी स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन किया था कि भाई अगर दो त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में किया था शायद, तो उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो आधार के अनुपात के बराबर होगा। यानी आप इसे बोलेंगे कि भाई ये 1 यूनिट हो गया तो ये 2 यूनिट हो गया, और क्योंकि ये 3 है तो टोटल आपका 3 यूनिट बन जाएगा। आगे अगर आप देखते हैं, आगे अगर आप ध्यान से समझे बात को, अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है, अब ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो गया, तो ये भी आपका 2 यूनिट हो जाएगा, और ये आपका 3 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल है आपका 5 यूनिट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कितने भी शेडेड एरिया निकाल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देखा 1 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, टोटल कितने यूनिट हो गए, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि 12 हो जाएगी, और 12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो शेडेड एरिया हमने निकाला, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी लगाई। पहले देखा एक 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 एक, फिर उसके बाद देखा कि एरिया कैसे निकलेगा, समांतर त्रिभुज है, समांतर रेखाएं हैं, समरूप त्रिभुज है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का, 5 का माइनस 4 का, 9 की वैल्यू 27 है। ऐसा भी हो सकता है सिंपल क्वेश्चन आ जाए, सिंपल चीज़ पूछ ली जाए, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, और इसी के अंदर भी ये हो सकता था कि आपसे ये पूछ लिया जाता कि भाई शेडेड एरिया और अनशेडेड एरिया का रेशियो बताइए। जैसे मान लेते हैं यहीं पर ही पूछ लिया जाता कि भाई जो शेडेड है और जो अनशेडेड है उसका अनुपात आपको बताना है, ठीक है, शेडेड का और अनशेडेड का। अब आप देखते हैं ध्यान से, अगर शेड पूरे के एरिया की बात करें तो पूरे का एरिया क्या होगा, 5 यूनिट है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 3 और 1 4, 4 जो यूनिट एरिया हो गया वो हो गया शेडेड, और बाकी बचा हुआ अनशेडेड हो गया, तो 4:21 आपका आंसर आ जाता उस केस के अंदर। तो इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये CGL 17 में इसका क्वेश्चन है, और देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन खत्म, ठीक है, पर डिपेंड करेगा कि आपने अभी तक पहले के 2 सेशन से क्या सीखा, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं ले लेता हूं,
ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया। इसके अंदर क्या कहता है वो कि दो सर्कल बनाने हैं आपको, ए बी सी, ए सी बी। ये डायग्राम आपको दे रखा है, वैसे डायग्राम दे रखा है आपको ये, एक सर्कल है आपका ये और दूसरा सर्कल है आपका ये, ठीक है, ए बी और सी। ए बी सी 90 डिग्री है, ए सी बी 60 डिग्री है, अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, ये तो आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया, ठीक है। छोटे की त्रिज्या आपको दे रखी है दो, इसकी रेडियस दे रखी है आपको दो, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री 30 डिग्री, साथ के साथ अगर आप देखते हैं 30 के सामने अगर 2 है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी पड़ी है, 30 के सामने जो होती है साइड, ठीक है, उसकी दुगनी साइड 90 के सामने होती है, 90 के सामने अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 90 के सामने आपका 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, ये R हो गया, ठीक है, ये भी R हो गया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन ओनली, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, केवल और केवल ऑब्जर्व करना है आपको ध्यान से, ठीक है। ऑब्जर्व अगर करते हैं ध्यान से तो देखिए ये क्या है, रेडियस है इसका, ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है रेडियस है, ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 के सामने जो जो सामने 90 के सामने जो साइड है वो 30 वाले के सामने से दुगनी है, 90 के सामने जो साइड होती है वो 30 वाले से वैसे भी दुगनी होती है, तो 90 के सामने जो साइड है वो 30 वाले से दुगनी होगी। अगर ये R है तो इस बात से आप सभी एग्री होंगे कि ये 2R होगा, ठीक है, 2R होगा, तो मतलब R तो ये हो गया, अब एक R और बचा है, एक R और ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, केवल 6 आ रही है, तो R की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, 17 मेंस का ही क्वेश्चन है। अब देखिए काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि पेपर ऐसा आया वैसा आया, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पेपर जो लेवल चलता है वो वैसा ही रहता है, ज्योमेट्री वैसी ही रहेगी, सिमिलरिटी वैसी ही रहेगी, आपकी अप्रोच क्या रहती है किसी चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अगर बढ़िया लगा है तो, और कुछ सीखा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी आगे ज्योमेट्री का एक सेशन और बचा है सिमिलरिटी पे बेस, वो हम बहुत जल्दी लाएंगे इसके बाद, तो तब तक लगातार सारे सेशन देखिए स्टार्टिंग से जितने भी हैं, कोई दिक्कत होती है तो क्वेश्चन हमें भेजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।